अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी अचानक मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही हैं? पहले तो इन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की मुझसे। पता है तू क्या सोच रही है? यही सोच रही है ना कि राजविंदर कौर अटवाल जो तुझसे इतनी नफरत करती थी वो तेरे साथ इतना प्यार से कैसे बात कर रही है। चल ठीक है, आज तुझे सच बता ही देती हूँ पुत्र। सच तो ये है कि मैंने कभी तुझसे नफरत की ही नहीं, लेकिन कि जो मेरे अंदर माँ का दिल है ना पुत्र, जिसने अपना एक जवान मुंडा खो देता, उस दिल को ये लगा कि तू मेरी दुश्मन है। मुझे लगा कि तेरी बच्चा कुनी जो मेरा पुत्र चला गया, इसीलिए तुझसे इतना नफरत करने लगी थी। लेकिन पुत्र जब तू गायब हुई ना तो मेरी सारी गलत फहमियां भी गायब हो गई। और उस दिन जब परनीत ने तुझे जिंदा जलाने की कोशिश की, मेरा रब जानता है पुत्र, मेरी रूह कांप गई सी। तुझे इस हालत में देख के ना मुझे बिल्कुल वैसा ही डर और वैसे ही चिंता हुई जैसे अपने खुद के बच्चों के लिए होता है। उधर अब मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को खो नहीं सकती। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तेरे साथ बुरा व्यवहार करते करते तुझे लामे देते देते कब तुझे अपना मान बैठी, इस परिवार की बहू स्वीकार कर लिया तुझे, मुझे पता ही नहीं चला। जितनी बुरी मैं तेरे साथ रही हूं ना, मेरी गलों पे यकीन नहीं किया जा सकता। झट बस मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूं। अब देख घर परिवार में ये सब होता रहता है पुत्र, जो आज रुसे हैं ना कल मान भी जाएंगे। तू अपने दिल पे ना लगा है पुत्र। आप सही कह रहे हैं मम्मी जी, आज पहले सब मुझसे गुस्सा है, लेकिन कल एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत होगी। पर जो भी मुझसे रूठे ना उन सबको मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और अगर रब की मेहर हुई तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ पुत्र सब ठीक हो जाना है। हाँ बाबा जी की मेहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन राजविंदर के कहर से तुझे कोई बचा नहीं पाएगा कुड़िये। तेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा तो मैं होने नहीं दूंगी। सबके दिलों में तेरे लिए इतनी नफरत भरूंगी कि सब तुझे रॉक होते हुए देखना चाहेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।